दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसे कि आपको पता ही है कि आईपीओ से रिलेटेड आईपीओ हो, एक के बाद एक आईपीओ आते जा रहे हैं और बढ़िया तरीके से वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, पिछले दिन हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आया था और लगभग 135% का उसने प्रीमियम भी दिया था। ओके, तो काफ़ी अच्छा आईपीओ का रिजल्ट भी आ रहा है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे आईपीओ कमिंग डेज में आ रहे हैं, मतलब मंडे को ही आ रहे हैं, और कुछ लिस्ट भी होने वाले हैं और कुछ मंडे के बाद ट्यूसडे को भी आ रहे हैं। एक एक करके हम सब पे वीडियो बनाएंगे, बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपली एक आईपीओ से रिलेटेड है जो मंडे को यहाँ पर लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है कैम्स आईपीओ। ओके, तो क्या है कैम्स आईपीओ, क्या है इससे रिलेटेड सारी बातें आज हम जानेंगे। ओके, एज वेल एज एंकर इन्वेस्टर, इतने बहुत सारे उसके शेयर्स ऑलरेडी आज बिक भी चुके हैं एंकर इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, QIB के थ्रू। तो उससे रिलेटेड भी कुछ बातें करेंगे, ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड भी बातें करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, ओके, लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मैं क्या करने वाला हूँ वो भी इससे रिलेटेड बातें कर लेंगे। तो आइए इस वीडियो की तरफ चलते हैं, बट इससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको इस तरीके की बेहतरीन वीडियो मिल सके। तो जैसे कि हम बात करने वाले कैम्स आईपीओ की, तो आइए बात कर लेते हैं। कैम्स आईपीओ जो आ रहा है, आईपीओ का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता है, ओके, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, तो इससे अब कैम्स आईपीओ है क्या एग्जैक्टली, पहले ये जान लेते हैं। तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, ओके, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर, तो ये फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइडर है एक। इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट रजिस्ट्रार, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रजिस्ट्रार है एंड ट्रांसफ़र एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स का जो AMC होता है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ओके, इसके लिए काम करता है। और लगभग 70%, ओके, जितने भी म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का 70% इसी ने कैप्चर कर रखा है। तो बिजनेस एक मोनोपोली क्रिएट करता है, ओके, पूरा का पूरा अधिकार इसका है। और इसके अलावा मैं आपको और भी आगे देख लेते हैं क्या क्या काम करता है। ये डिविडेंड प्रोसेसिंग, जो आपको डिविडेंड मिलता है, ओके, उससे उसका प्रोसेसिंग, ट्रांजेक्शन, ऑरिजिनेशन, इन्फ्रेंस पेमेंट, ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन, डिविडेंड प्रोसेसिंग, इंटरमीडिएट एम्पनलमेंट, रिपोर्ट जनरेशन, इन्वेस्टर इंटरफेस, सेटलमेंट एंड रिकन्सिलेशन, ओके, कंपाइलेशन रिलेटेड सर्विस एंड ब्रोकरेज कंप्यूटेशन। तो ये काफ़ी सारे, मतलब शेयर बाजार से रिलेटेड जितने भी मोस्टली अच्छे अच्छे जो काम होते हैं, जो डिविडेंड देना, ओके, एज वेल एज आपका म्यूचुअल फंड की KYC हो गई, KYC में भी काम करता है। और म्यूचुअल फंड में जितने लोग आते हैं, ओके, 70% मार्केट इसने ही कैप्चर कर रखा है। द कंपनी प्रोवाइड सर्विस इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कलेक्शन, और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होती है उसमें सर्विस बिजनेस, इंश्योरेंस सर्विसेज बिजनेसेस, आपने देखा भी होगा आपके पास अगर इंश्योरेंस होगा तो आप कभी भी कैंप्स में जाएंगे तो कैंप्स में जाके आप अपना डेटा चेक कर सकते हैं। कैंप्स में जाके आप अपना, आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या म्यूचुअल फंड भी है तो वहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स सारी की सारी सेव होती है। तो आप वहाँ पर जाके कैंप्स एक बड़ा रोल, आपको कोई भी म्यूचुअल फंड का आपने शेयर्स ले रखे हैं, म्यूचुअल फंड ले रखा है या इंश्योरेंस ले रखा है, तो हम कैंप्स पे जाएंगे, जो आपकी आईडी होती है, ओके, उसे डालेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पर आ जाएगी, एज वेल एज KYC, इससे रिलेटेड KYC भी आ जाएगी, नॉन बैंकिंग सर्विसेज। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस मोनोपोली है इसका, ओके, मोनोपोली तो यही है और बिजनेस मॉडल भी इसका काफ़ी अच्छा है। और लगभग इसके 25 स्टेट्स हैं, मतलब 25 शहरों में 278 सर्विस सेंटर भी है एंड 5 यूनियन टेरिटरी भी है, 5 यूनियन टेरिटरी में, टेरिटरीज में भी ये एग्जिस्ट करता है। तो काफ़ी अच्छा ये आईपीओ आपको दिख रहा है, मोनोपोली बिजनेस है, बिजनेस मॉडल भी अलग है और 70% मार्केट भी इसने कैप्चर कर रखा है। तो आइए एक बार आगे और जान लेते हैं क्या है इसके बारे में। तो ये सब इसके बारे में है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है एक बार देख लेते हैं। तो लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर ऑफ म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड्स को जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस जो प्रोवाइड करता है, ओके, ये उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा है। ए डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज, ओके, एंड एज वेल पैन इंडिया फिजिकल नेटवर्क, ओके, फिजिकल नेटवर्क भी है इसका पैन इंडिया, पूरे इंडिया में, और स्केलेबल टेक्नोलॉजी एनेबल इकोसिस्टम। तो काफ़ी अच्छी इसकी स्ट्रेंथ है। एज वेल एज प्रोमोटर्स की बात कर लेते हैं, तो ग्रेट टेरन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इज़ द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के जो प्रोमोटर है वो ग्रेट टेरन इन्वेस्टमेंट
है, इन लिमिटेड कंपनी है जो उनके इन्वेस्टर्स इसके उसके इसके प्रमोटर्स हैं। और इसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं, तो जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो ये 30 जून 2020, ये 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019 और 2018, ये सारा का सारा डेटा 17, ये हमारे पास डेटा है, अवेलेबल है। तो देखिए इसका जो टोटल एसेट है किस तरीके से बढ़ते जा रहा है, 6978, फिर 7363 मिलियन इन रुपीज़ है, और 8024.34 मिलियन रुपीज़ एज वेल एज 2020 में कितना हो गया, 2020 जून में, क्योंकि ये 8354.53 मिलियन रुपीज़ का जून 2020 में, मतलब हर क्वार्टरली तो बढ़ ही रहा है, ईयरली भी बढ़ रहा है, ईयरली भी देखेंगे। ओके, ये ईयरली 2019 का है, 18 का है, 19 का है, 20 का है, और ये जुलाई जून का है, तो उसके साथ साथ तो बढ़ी रहा है एज वेल एज ये क्वार्टरली भी बढ़ता जा रहा है। तो रिवेन्यू भी आप देख लीजिए, रिवेन्यू पहले 6578 था, फिर 7118 था, 7213 था, इसके अलावा 1634.61। ओके, तो इसका रिवेन्यू बढ़ता जा रहा है एज वेल एज इसका जो टोटल एसेट है वो बढ़ रही है, और इसका प्रॉफिट पैट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टैक्स वगैरह देने का जो इनके पास प्रॉफिट बचता है वो भी देख लेते हैं। तो 2018 में 1463, 19 में 1308, ओके थोड़ा सा घटा है प्रॉफिट, बट इसके बाद मार्च में देखिए 1734, और इसके बाद अभी जून में, मतलब एक ही क्वार्टर में, ओके जून क्वार्टर में, एक ही फर्स्ट क्वार्टर में 408.24 मिलियन रुपीज़ का बिजनेस इनका, मतलब इनका प्रॉफिट हुआ है, तो कि अच्छा खासा आपको दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी केवल 10% पीपल ओके अभी शेयर मार्केट में के म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं, पर जैसे जैसे म्यूचुअल फंड बढ़ेगा, आप फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड बढ़ेगा, और क्योंकि हर एक को तो नॉलेज है नहीं, ओके हर एक खुद अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाता है, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, डिफरेंट बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं उनके थ्रू जाता है, तो उनके थ्रू जाएगा, जितने जितने म्यूचुअल फंड बढ़ेंगे ओके, और 75% इसका मार्केट म्यूचुअल फंड का है, तो म्यूचुअल फंड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है ये इस कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ्यूचर में होने वाला है। और ये IPO लाए किस लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अपना पहले तो ऑफर फॉर सेल लाया, ऑफर फॉर सेल ऑलरेडी आपको पता ही है, बताया भी था लास्ट IPO जब के बारे में बात कर रहा था, तो ऑफर फॉर सेल ये होता है IPO की तरह ही होता है ओके, बट इसमें IPO में पैसा कंपनी के पास जाता है, ऑफर फॉर सेल में पैसा इसके शेयर होल्डर्स और ये जो प्रमोटर्स अगर कोई बेचता है तो उनके पास जाता है, तो एक तो इतनी इक्विटी शेयर सेलिंग करने कर रहे हैं ओके ऑफर शेयर के थ्रू, और ये अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग कि ये जो लिस्ट करा रहे ओके लिस्ट होती साथ ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ अगर मार्केट सही रहा तो आप कुछ ना कुछ लिस्टिंग गेन भी मिलेगा, तो उसको पाने के लिए ये सब चीज़ लाया जा रहा है, ये ऑब्जेक्टिव है इनका। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसकी डिटेल्स से रिलेटेड कि कब आ रहा है क्यों आ रहा है, तो IPO डेट जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 21 सितंबर 2020 ओके और से शुरू होगा, मतलब मंडे से शुरू होगा और ये बुधवार तक चलेगा, एज वेल एज इसकी इशू टाइप की बात कर लेते हैं, बुक बिल्ड इशू IPO, इशू साइज बात कर लेते हैं, 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू रहेगा और लगभग 222.4433 करोड़ रुपीज़ का एग्रीगेट अप टू, मतलब 1,82,46,000 इतने इशू साइज है इसका। ऑफर फॉर सेल के थ्रू 18,246 सारा का सारा ऑफर फॉर सेल ही आई थी ओके, फेस वैल्यू 10% इक्विटी शेयर इनका फेस वैल्यू है जैसे कि ऑलरेडी बता दिया है। IPO प्राइस देख लीजिए 1229 to 1230 ओके पर इक्विटी शेयर, तो मैं जब आप अगर अप्लाई करेंगे तो 1230 पे ही करना, क्योंकि ऑलरेडी इसका एंकर इन्वेस्टर ने काफ़ी सारा शेयर खरीद लिया, उसके बारे में बात करेंगे हम धीरे आगे चल के, तो इस पर भी देख लीजिए 1230 पे बिडिंग करिएगा या कट ऑफ प्राइस पर बिडिंग करिएगा तो आपको शायद मिल जाएगा। तो एम्प्लॉई डिस्काउंट अगर कोई एम्प्लॉई है इनका कैंप्स का अगर वो करता है तो 122 रुपये का उसे प्रॉफिट हो जाएगा, तो लगभग उसे 1100 something rupees देने पड़ेंगे, तो ज़्यादा तो उनके लिए अलग से डिस्काउंट दिया गया है। मार्केट लॉट साइज 12 शेयर का एक लॉट साइज होगा, तो लगभग 14,000 something मतलब 15,000 के अंडर में ही IPO होता है, तो और लिस्टेड लिस्टिंग एक्ट तो BSE पे ही ये लिस्ट होगा, आप अगर NSE पे से देखेंगे नहीं, केवल BSE पे ही आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो कैम्प IPO इनिशिएटिव डेट तो 21 तारीख को आ रहा है
23 तारीख तक लास्ट डेट है। फाइनलाइज अलॉटमेंट का पता आपको 28 तारीख को चल जाएगा, जिसे मिला होगा 28 को मिल जाएगा, जिसे नहीं मिला होगा 29 तारीख को पैसे आ जाएंगे। ओके, शेयर क्रेडिट उनके डीमैट अकाउंट में 30 को हो जाएगा और 1 अक्टूबर 2020 को उनके पास ये लिस्ट हो जाएगा, और लिस्ट होते साथ पता चल जाएगा आपको लिस्टिंग गेन मिला है या नहीं मिला है, कितना मिला है, एवरीथिंग विल बी फाइंड आउट ऑन अक्टूबर 1st। ओके, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो एक तो लगभग 10 दिन का डे है, अगर 10 दिन में कुछ नहीं होता, मार्केट अगर स्टेबल रहती है, सब कुछ ओके रहेगा, तो आपको लिस्टिंग गेन डेफिनेटली, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड में मिला है, ऐसे ही कुछ लिस्टिंग गेन यहाँ भी मिल जाएगा। कितना लिस्टिंग गेन मिल रहा है, ग्रे मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, वो उसके बारे में भी आगे बात कर लेते हैं। लॉट साइज़ आपको ऑलरेडी बता दिया है, 12 लॉट साइज का है, तो लगभग 14,760 रुपये का ये आपको एक लॉट साइज लेना पड़ेगा। इसके अलावा मैक्सिमम 13 लॉट आप ले सकते हैं, जो इसमें 156 शेयर्स होंगे और लगभग 1,91,880 रुपीज़ का आपका ये हो जाएगा। तो कैम्स आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग्स प्री इशू शेयर होल्डिंग, तो इनकी जो पहले शेयर होल्डिंग्स थी ओके वो 43.53 थी, पोस्ट इशू के बारे में भी देने रखा। तो कैम्स आईपीओ ऑफर साइज बाय इन्वेस्टर कैटेगरी, ओके द परसेंटेज ऑफ ऑफर साइज विल बी एलोकेटेड एलोकेशन QIB। अब देखिए QIB जो होते हैं, QIB के लिए जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए 50% है, ओके जो बड़े बड़े होते हैं लोग और जो बहुत पैसा मार्केट इसमें लगाते हैं, और नॉन इंस्टीट्यूशन जो 2 लाख से ऊपर है उनके लिए 15%, और अच्छी बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लगभग 35% का यहाँ पर दे रखा है। तो 35% का मतलब है कि काफ़ी सारे लोगों को मिल जाएगा, जैसे हैप्पीएस्ट मार्ट में केवल 10% हुआ था, लोगों ने लगाया था, मैंने भी लगाया था, मुझे 2 लॉट लगाए थे बट एक भी नहीं मिला, तो लोगों ने लगाए थे, काफ़ी मेरे दोस्तों ने भी लगाया, उन्हें भी नहीं मिला, तो काफ़ी लोगों को नहीं मिला 10% था क्योंकि, बट यहाँ पर 35% है तो शायद आपको मिल जाए। कैम्स आईपीओ एम्प्लॉइज रिजर्वेशन ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ नीचे लाइन देखिए कि कैम्स इज ओवर 30% प्रीमियम इन ग्रे मार्केट एड ऑफ वन आईपीओ। तो अगर मार्केट ओके रहा, सब कुछ ओके रहा, तो ग्रे मार्केट में अभी इसका प्राइस 30% ऊपर चल रहा है, तो लगभग 30-40% मान के चलते हैं, तो लगभग ये जब ये 1230 रुपये का शेयर अगर लिस्ट होता है और लिस्टिंग गेन हमें मिलता है, मार्केट सही रहता है, एवरीथिंग विल बी ओके एट द टाइम ऑफ अक्टूबर 1st, तो ये आपको लगभग 30-40% का प्रॉफिट, लगभग 1700 रुपये के आसपास ये शेयर आपको मिल लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी अच्छा आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है, मोनोपोली बिजनेस क्रिएट कर रहा है, एज वेल एज काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल, फ्यूचर के प्रोस्पेक्टस से भी अच्छा लग रहा है। 14,000 रुपये अगर आप लगाते भी हैं तो 75% से मार्केट कैप्चर कर 70% कैप्चर कर रखा है, तो फ्यूचर में तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो आप जा सकते हैं इसके साथ। इसके अलावा एक न्यूज़ और थी, तो देखिए क्योंकि ये एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एक दिन पहले ओपन हो जाता है, तो कैम्स मॉप्स अप टू 667 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स। तो एंकर इन्वेस्टर्स होते क्या है, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ओके उनके लिए एक दिन पहले ही ये आईपीओ खुल जाता है, तो लगभग 667 करोड़ रुपए के एंकर इन्वेस्टर्स ने खरीद चुके हैं, तो जिसमें से 13 तो म्यूचुअल फंड्स, ओके 13 म्यूचुअल फंड्स हैं और बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लगभग 36.46% ऑफ द टोटल एंकर बुक, तो लगभग 50% जो QIB था, जो बताया था मैंने, जो रिजर्व था, उसमें से 36.46 ऑलरेडी यहाँ पर खरीदा जा चुका है। तो 19,75,704 इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी बिक चुके हैं 667 करोड़ रुपीज़ में। तो आप कल परसों ये 2-3 दिन का इंतजार मत करो, देखो मत कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि अच्छा खासा ये दिखाई दे रहा है, म्यूचुअल फंड ने भी अच्छी उसमें दिखाई अपनी रुचि दिखाई है, ओके अब अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है, तो आप जाके अप्लाई कर देना कल की डेट मंडे को जैसे ही आता है, और काफ़ी अच्छा रिटर्न्स, अगर मार्केट में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि डिस्क्लेमर देना पड़ता है, मार्केट में कुछ नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है आपको लिस्टिंग गेन भी अच्छा खासा होता हुआ 30-40% का लिस्टिंग गेन दिख जाएगा। तो काफ़ी मोनोपोली बिजनेस है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, ओके प्राइस जरूर डेफिनेटली ज़्यादा है बट चलेगा, इतना तो होता ही है, अच्छे अच्छे शेयर्स का आपको देख रहे हैं और लंबे टाइम के लिए रखते हो, शायद लंबे टाइम में भी काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट हो जाएगा।
सो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सारी नॉलेज आपको मिल गई, और अगर आपको कुछ पूछना भी है तो आप लाइक नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर्स करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।